कहानी कहानी। विक्रमादित्य जाते हैं बरगद के पेड़ पर, एक लाश को उतारते हैं अपने कंधे पर रखते हैं। तो लाश ने विक्रमादित्य को कहानी सुनानी शुरू की कि एक गांव में एक आचार्य जी रहते थे, उनकी बड़ी खूबसूरत बेटी थी और उनके तीन शिष्य थे और तीनों उस लड़की को बहुत प्यार करते थे और तीनों बड़े योग्य थे। आचार्य जी को भी लगता था कि यार योग्य तो तीनों है, लड़की को भी लगता था कि योग्य तो तीनों है, तो शादी किससे करूं। बाप और बेटी दोनों बड़े कंफ्यूज थे कि विवाह किससे किया जाए। और जब लड़की यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि विवाह किससे किया जाए, तो एक दिन लड़की ने आत्महत्या कर लिया। अब जब लड़की ने आत्महत्या कर लिया, तीनों बड़े निराश हुए, गए उसका दाह संस्कार किया। तो एक शिष्य तो तुरंत सन्यासी बन गया, वहीं धूनी लगा ली उसने उसकी कब्र के पास कि बस अब जीवन में कुछ करना ही नहीं, जिसको मैं प्रेम करता था वो बचा ही नहीं, तो अब जीवन में कोई सार नहीं, अब सिर्फ तपस्या करनी है और तपस्या करके ही जीवन को त्याग देना है। दूसरा फकीर बन गया, घूमने लगा देश विदेश में। उसे पता था कि हिंदुस्तान में कुछ संत हैं जो फिर से जीवित करने की का मंत्र जानते हैं। लगा वो उन संतों को खोजने जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते थे। तीसरा जो उसमें था, वो डेली जाता था, उस मृत शरीर पे मसाला लेप लगाता था, साफ करता था, फिर उसे वहीं रख देता था। अब ये सिलसिला कुछ वर्षों तक चला, दो चार वर्षों तक चला। तो वो जो घूम रहा था चारों तरफ, फकीर बन गया था, मंत्र की तलाश कर रहा था, पुनर्जीवन देने के मंत्र का जो तलाश कर रहा था, उसे एक दिन कुछ महात्मा लोग मिल गए, वो उस मंत्र को जानते थे। उसने उनकी सेवा की, उन्होंने उसे वो मंत्र सिखा दिया। जैसे ही उसने मंत्र सीखा, वो भगा वापस गांव की तरफ और वापस आकर उसने उस युवती को फिर से जिंदा कर दिया। जब उसने फिर से जिंदा कर दिया, तीनों दावेदार फिर खड़े हो गए और अब तो युवती और सुंदर हो गई। तब उस वेताल ने विक्रम से पूछा कि विक्रम बता कि अब लड़की को किससे विवाह करना चाहिए। अगर तेरे मन में उत्तर आ रहा है और तू जवाब नहीं देगा तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर तूने जवाब दिया तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। वेताल ने कहा कि अगर तेरे मन में जवाब आ रहे हैं, और ये नेचुरल प्रकृति है, हमारे सामने जब भी कोई परिस्थिति होती है एक सवाल एक जवाब मन में आता कि ये कर ले यार, नेचुरल प्रकृति है, नेचुरल जवाब आना ही है। तो विक्रम वेताल ने कहा कि देख विक्रम, अगर तेरे मन में जवाब आ रहा और तूने मुझे नहीं दिया तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर दे दिया तो मैं चला जाऊंगा। योग्य आदमी भाई, योग्य हो अयोग्य हो, मन में परिस्थिति में अगर परिस्थिति बन रही है तो जवाब आएगा। तो विक्रमादित्य ने जवाब देना शुरू किया, कहा जो मंत्र सीख कर आया और जिसने पुनः जीवन दिया वो पिता तुल्य है। जीवन देना का काम किसका है? पिता का। क्या दर्शन है सर, जीवन देने का काम किसका है? पिता का। तो जिसने मंत्र सीख कर जीवन दिया वो पिता तुल्य है, मुझसे विवाह नहीं होगा। जिसने उस शरीर की सेवा की चार साल तक, वो पुत्र का धर्म है, सेवा करना पुत्र का धर्म है, वो भी बाहर हो गया। जिसने अपनी ही जिंदगी दांव पे लगा दी, यही प्रेम की कसौटी है, विवाह उससे होना चाहिए। यह था शिक्षा देने का तरीका। और जैसे ही विक्रमादित्य ने जवाब दिया, वेताल उड़ चला कि तूने बोल दिया विक्रम। यानी अब सुनिए इस कहानी का दूसरा उद्देश्य क्या है। मौन, परम की जो प्राप्ति होगी वो मौन में होगी।